अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नियाज अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये झूमर लगा हुआ है हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह का जो मेला है, सालाना मेला। इनके ऊपर लोग सवारी करते हैं, शौकिया शौकिया। ये देखें आप, यहाँ झूमर दिखाते हैं जिसे हमारी जबान में झूमर कहते हैं और उर्दू में डांस कहते हैं, पंजाबी में भंगड़ा कहते हैं। ये बच्चे कूद रहे हैं, इनके नीचे स्प्रिंगें लगी हुई होती हैं। ये देखें लोग पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस शाम के टाइम में खासा ज़बरदस्त माहौल होता है। ये देखो कुछ लोग ऊँट की सवारी, नदी में भी कुछ दुकानें लगी हुई हैं। बारिशों का भी मौसम है। अब अच्छे वाले ठीक है, तुम्हें ठीक है अरे शुक्र है जी। अच्छा छो किलो आ देगा वो ऐसे नहीं सदा। ये कुछ दे रही है 200 रुपये किलो। इनको जो है ना खुश करके बेचते हैं। ये बिलट खेल रहा सारा बदल। मुझे 60 किलोग्राम है इसका। जा वे दांत सारी दिल्ली। माशाल्लाह 80 किलोग्राम वजन इसका। एक हाथ से भाई ने उठा लिया, एक ही हाथ से माशाल्लाह। आप वजन भी देख सकते हैं 80 किलोग्राम है। ठीक है मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? ठीक हो? सेट हो तुम्हें? ठीक है। मज़ा वीडियो बने व्लॉग बने आपका यूट्यूब तेरे सा यकीन कर। चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल है यूट्यूब तेरे सी आराम है। हज भी क्या है यूट्यूब पे कोई थाने ते कन करे दा यूट्यूब तेरे दा क्या आओ को पता है जिया जिया आ शॉट मार गेन। हां
ਜ਼ੋਮਿੰਗ ਕਰੀ ਥਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਓਏ ਕਾਸ਼ ਓਏ ਗੋਦਾ ਕੋ ਨਿਕਾਲੀ ਗੋਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬਾਈ ਉਹ ਗੋਦੇ ਕੋ ਨਿਕਲੇ ਦੇ मरियम नवाज को सामने या अली काफी दूर तक लोग जाते हैं पैदल आते भी पैदल हैं कई किलोमीटर लोग शौकिया जो है यहाँ सैर सपाटे के लिए पहाड़ों के अंदर जाते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ इस मेले में। इस मेले का दौरान ही मैं आपको बताता चलूँ मेरे ख्याल में तकरीबन जो है ना सवा महीना महीने के लगभग होता है क्योंकि लोग पंजाब केपीके बलूचिस्तान और सिंध से काफलों की शक्ल में आते हैं खासकर जुमेरात और जुमे को जो है ना ये लोग ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान क्या हाल है खैरियत है ठीक हो शाबाश ये लोग ऊपर पहाड़ी के ऊपर है दोस्तों रात होने वाली है रात के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो के मैं आपको दिखाऊंगा हज़रत सगी सरवर रहमतुल्लाह के चार यार जो ऊपर पहाड़ी पे हैं। आज मेरे पास टाइम नहीं है कभी टाइम निकाल के चार यार भी दिखाऊंगा जितना हो सका उनकी तारीख के वो भी आपको बताऊंगा मैं तो आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़।